अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? जीटी मोड माफिया की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकार। तो फ्रेंड, आज आपके लिए मैं एक एक्टर स्पैमर मोड 6.5 लेकर आया हूं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, चले पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं। इसके अंदर आप जो हैं गैंग वार करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि जितनी चाहे यहाँ पर पुलिस बुला सकते हैं और गुंडे बुला सकते हैं। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसका इंस्टॉलेशन का मेथड भी आपको समझाएंगे। पहले आपको छोटा सा गेम प्ले दिखाते हैं कि इस मोड में क्या क्या है। इसमें इतने सारे ऑप्शन है कि मैं आपको सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और बाकी जो है मैं अपनी वेबसाइट पर लिख दूंगा, वो आपने जाकर खुद ही चेक कर लेने। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि हमें सबसे पहले जो है ना यहाँ करना क्या है, पहले हम अपनी हेल्थ की चीट लगा लें कंट्रोल और सी से जाके। ये जो है हम जो है अपनी हेल्थ की चीट लगा लेते हैं, ठीक है। और दोबारा से कंट्रोल और सी दबा के प्लेयर चीट में जाएंगे और यहाँ से हम जो है इन्फिनिट हेल्थ कर लेते हैं। चलें, अब हमारी इन्फिनिट हेल्थ हो चुकी है। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब मैं आपको उसके सारे फीचर दिखाता हूँ, जैसे कि जैसे ही आप डी और वन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पुलिस आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ मैं डी और टू को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है और पुलिस आ जाएगी और यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। और डी और थ्री को प्रेस करूँगा तो FBI आ जाएगी और डी और फोर को प्रेस करूँगा तो आर्मी आ जाएगी। तो इस तरह करके आप गैंग वार कर सकते हैं डी और फाइव, ठीक है। ये देखें, ये एनिमीज आ गए यहाँ पर। अब इनकी आपस में जो है लड़ाई शड़ाई होना शुरू हो जाएगी। और डी और सिक्स को प्रेस करूँगा तो ये एक और एनिमीज आ गई, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह करके देखें ना, गैंग वार आपने करवाना हो पुलिस के साथ, और भी काफ़ी सारे फ्यूचर हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सिक्स को प्रेस किया और ओए होए मेरे ऊपर क्यों चल रहा है भाई, अन्नी नस्ल के। डी और एट को प्रेस करें, नाइन को, यानी कि हर तरह की एनिमीज जो है ना यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर फाइटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फ्यूचर्स हैं, वो मुझे देखने पड़ेंगे, मैंने मोबाइल में सेव किए हैं क्योंकि इतने मैं आपको नहीं बता सकूँगा। एस और वन को प्रेस करना है आपने। एस और वन को प्रेस करेगा तो ये फ़ोन करेगा और गाड़ियाँ आ जाएंगी। ये एस और वन से लेके एस और नाइन तक है, तो एस और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये मैं सारी गाड़ियां बुला रहा हूं इधर, ठीक है। और हेलीकॉप्टर आ जाएगा, और यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो जंग शुरू हो जाएगी। जितने भी आस पड़ोस के गुंडे शुंडे हैं सारे यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको फ्यूचर कुछ बता दूँ इसके, और इसके अलावा यहाँ पर जो अभी गाड़ियाँ देखें, वो गाड़ी आ गई है, वो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं और यहाँ इसी तरह फाइट चलती रहेगी और गाड़ियों पर गाड़ियाँ, ये आपने एस और वन से मंगवानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फ्यूचर, डब्ल्यू और वन को प्रेस करते हैं, अगर डब्ल्यू और वन को वन से लेकर नाइन तक, तो यहाँ पर और भी हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ शाड़ियाँ बहुत कुछ यानी कि जो है आ जाएगा। तो अब यहाँ आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ गाड़ियाँ कितनी सारी आ गई हैं, वो देखें गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये देखें, ये गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी कि इस तरह आप गैंग वार करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना धमाके छमाके भी आप जो है करवा सकते हैं। तो ये जैसे कि अभी ऊपर से ये जो एक वो आके गिरा है बम, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से दूर हो लूँ क्योंकि ये ना मुझे भी मरवा देंगे साथ ही। तो अच्छा, उसके अलावा मैं आपको इसके फ्यूचर्स बता दूँ कि इसके फ्यूचर्स क्या हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है एस और पेज डाउन, एस और जो है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। तो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू से देख लेते हैं क्या होता है। डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू से भी काफ़ी सारी जो एनिमीज़ वगैरह आएंगी यहाँ पर, वो धमाके शमाके होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें हम यहाँ से थोड़ा सा दूर चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि मैं आपको एक साथ नहीं बता पाऊंगा, बाकी आपने जो है वीडियो में देख लेना। और शिफ्ट कंट्रोल प्लस वन है इसके अंदर, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस वन से जो है आप और भी यानी कि गाड़ियां मंगवा सकते हैं। तो ये देखें, ये गाड़ियां कितनी सारी आ रही हैं, अबे मुझे तो जाने दो भाई। ये देखें, ये वार शुरू हो गया यहाँ। इसी तरह करके यहाँ पर गाड़ियाँ आप मंगवा सकते हैं, यानी कि ये जिन लोगों को ज़रा मारपीट पसंद है ना, यानी कि जो यानी कि गैंग वार करवाना चाहते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है बॉडीगार्ड का, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कंट्रोल शिफ्ट और वन से आएगा वो, कंट्रोल शिफ्ट और वन। तो ये मेरे बॉडीगार्ड आ गए, ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट और टू से भी बॉडीगार्ड आएंगे। जी सर फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पर और भी कंट्रोल्स हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट और वन टू, और इसी तरह आप अपने बॉडीगार्ड भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और वन से, वन टू थ्री फोर से जो है आपके बॉडीगार्ड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, एस वन डब्ल्यू वन और काफ़ी कुछ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, बेतहाशा फ्यूचर्स हैं। तो फ्रेंड, आपने गेम प्ले देख लिया, अब हम इसके चलेंगे डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन मेथड की जानी। तो चलिए शुरू करते हैं।
जी तो फ्रेंड गेम प्ले तो आपने देख लिया, चले चलते हैं इसको डाउनलोडिंग मेथड की जानी। तो फ्रेंड ये लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्क्रीन शूट आएंगे और आ जाएंगे सारे कंट्रोल। तो यहाँ पर ये देख लेंगे S1 से लेके जो है S9 तक है और आगे भी, यानी कि काफी सारे कंट्रोल हैं, W1 इसी तरह करके। तो इन सब कंट्रोल्स को आपने आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो कंट्रोल याद थे वो मैंने आपको गेम प्ले में ऑलरेडी दिखा दिए हैं। बाकी भी काफी सारे कंट्रोल हैं, सारे उनके जो भी फंक्शन वो करते हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये आप सारे कंट्रोल पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो लिंक आएंगे, लिंक 1 और लिंक 2। तो किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं लिंक 1 पर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही लिंक 1 पर क्लिक करूंगा द फाइल लॉकर का लिंक मेरे सामने आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है, ऐड खुलेगी, इसको बंद कर दें और दोबारा से क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर दें। तो जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे 2 MB का तकरीबन है, तो ये आपके सामने डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। तो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ। फ्रेंड ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखें दो चीजें दी जा रही हैं, एक तो सेटअप दिया जा रहा है, दूसरा कंट्रोल्स मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं सारे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेटअप है इसको हमने इंस्टॉल करना है अपनी GTA San Andreas गेम के अंदर, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है सी ड्राइव में। तो ये देखें हमारे पास GTA San Andreas गेम मौजूद है, तो चलें सेटअप को रन कर लेते हैं। तो आपके सामने यस का ऑप्शन आएगा, आपने ओके करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपनी GTA San Andreas गेम का फोल्डर और यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ से आपने जो है इसको इंस्टॉल पे लगा देना है। तो तकरीबन 1-2 MB का टूल है, तो 1-2 MB का मूड है, फौरन इंस्टॉल हो जाएगा। इसको फिनिश कर दें आप यहाँ से, इसको बंद करें। तो चलें अब हम अपनी गेम को रन करके देख लेते हैं क्या हमारा जो मूड है वो 100% वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ GTA San Andreas को चला लेता हूँ। जी तो फ्रेंड हमारी जो गेम है वो रन हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। चलें फ्रेंड हमारी जो गेम है रन हो चुकी है, अब हम देखते हैं क्या हमारा मूड रन हुआ है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, D और 1 को प्रेस करके आपने देख लेना है। तो जैसे मैंने D1 को प्रेस किया तो ये देखें पुलिस आ गई है, तो यानी कि हमारा मूड रन हो गया। बाकी सारे कंट्रोल्स मैंने लिख दिए हैं और कुछ आपको मैंने गेम प्ले में दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, तो आपने इन सबको देख लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।